जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। हमारे सनातन हिंदू धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के माध्यम बताए गए हैं। अनेकों संप्रदाय जो इन माध्यमों के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की कामना करते हैं या प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे ही संप्रदाय के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन संप्रदायों के होने का कारण क्या है, इन संप्रदायों के होने की प्रतीकात्मकता क्या है, क्यों ये संप्रदाय शुरू हुए, इनके मूल उद्देश्य क्या थे, इनका मूल कारण क्या था, इन संप्रदायों का मूल तत्व क्या था, कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है। अगर हम तंत्र के अंदर देखें या फिर आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ऐसे अनेकों संप्रदाय आपको देखने को मिलेंगे जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि वो सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। वो दावा वो इसलिए नहीं करते कि उन्होंने बहुत साधना करी है, बहुत सिद्धियां करी हैं, बहुत जाप किया है, बहुत पूजा पाठ करी है। वो दावा इस आधार पर करते हैं कि वो दूसरों से ज़्यादा भयंकर दिखते हैं, वो सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा प्रचंड रूप धारण करके रखते हैं, इसलिए वो ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसी मान्यता समाज में फैली हुई है। इनमें से एक संप्रदाय है कपालिक संप्रदाय, जिसे कपाली संप्रदाय कहा जाता है, या फिर और जो इस संप्रदाय के साधक होते हैं या इस संप्रदाय से जो दीक्षित व्यक्ति होते हैं उन्हें कपाली कहा जाता है। अघोर संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, ये सभी संप्रदाय शैव संप्रदाय में आते हैं, यानी कि शैव मत के अनुसार इनका सबका पालन किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये सभी मार्ग जो थे भगवान शिव से प्रचलित हुए थे। परंतु अगर आप विचार करो, अगर आप देखो, तो आपको इन संप्रदायों में कहीं भी आज के समय में भक्ति का कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति, अब ये बात हो सकता है बहुत लोगों को बुरी लगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि इन संप्रदायों में भक्ति भाव से ज़्यादा, ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से ज़्यादा मात्र शक्ति प्रदर्शन की एक भावना बची है जो इन संप्रदायों को दूषित करती है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये सभी संप्रदाय भगवान शिव से ही शुरू हुए थे, भगवान शिव के नामों से ही इन सभी संप्रदायों का आरंभ हुआ था। भगवान शिव का एक नाम कपाली है, उन्हें कपाली कहा जाता है। क्या आपको कपाली का अर्थ पता है? क्या आपको कपाल का अर्थ पता है? नहीं, क्योंकि अगर आपको कपाल का अर्थ पता होता, अगर आपको कपाली का अर्थ पता होता, तो आपके लिए कपाली केवल एक वो ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कपाल में रख करके मलमूत्र खा लेता है या भोजन कर लेता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि कपाल का वास्तविक अर्थ क्या होता है। जो काल को अपने अंदर पाल ले, अगर आप कपाल का संधि विच्छेद करेंगे तो क प्लस पाल बनता है। जो काल यानी समय को अपने अंदर पाल लेता है, अपने अंदर धारण कर लेता है, वो कपाल होता है। ये कपाल कीड़े मकौड़े पशु पक्षी से लेकर के इंसान, और इंसानों से लेकर के देवी देवताओं और स्वयं महादेव तक का होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो मस्तिष्क में होती है। अगर आपको कोई बोलेगा कि आपको आज से 2 साल पहले की कोई बात याद करनी है, तो आपको अपने दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। आप अपने पैरों पर जोर दे करके, अपने हाथों पर जोर दे करके उस बात को याद नहीं कर सकते, और आपको वो बात याद आ जाती है। कैसे? जो बात आप एकदम से भूल चुके थे वो बात आपको याद आ जाती है। वो इसलिए याद आ जाती है क्योंकि आपके मस्तिष्क ने उन सभी घटनाओं को अपने अंदर सहेज रखा है। आपके कपाल ने उन सभी घटनाओं को अपने अंदर पाल रखा है। आपके कपाल ने उन सभी चेतनाओं को धारण कर रखा है जो चेतनाएं ईश्वरीय तत्व से जुड़ी हुई होती हैं। ये होता है कपाल। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है। अब ईश्वर का वास का अर्थ क्या होता है? भगवान खुद आके रहते हैं? नहीं, उस ईश्वर की ऊर्जा
उस ईश्वर का अंश हमारे मस्तिष्क में वास करता है, जो कि हमें चेतना प्रदान करता है, सही गलत की पहचान करवाता है, अच्छे बुरे का पता लगाता है। तो इसीलिए कपाल को परम शक्तिशाली कहा गया है। कपाल क्रियाओं के अंदर कपाल का इतना महत्व होता है जितना आप लोगों को अभी अंदाज़ा भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति कपाल सिद्ध है, अगर कोई व्यक्ति कपाल हस्त है, उसे कपाल सिद्ध है, तो वो हर वो कार्य कर सकता है जो वो सोच सकता है, जो बाकी दुनिया के लिए असंभव होते हैं। और ऐसे ऐसे कपाली हुए भी हैं। फिर चाहे आप कपालिक महाकाल भैरवानंद सरस्वती जी को देख लीजिए या फिर अन्य कपालियों को देख लीजिए। तो ऐसा क्यों होता है? आखिरकार जिस कपाल का प्रयोग वो लोग कर रहे हैं, वो कपाल एक सामान्य व्यक्ति का ही तो है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भैरवानंद सरस्वती जी ने अपने गुरु का कपाल निकाल लिया था इसलिए वो जन सिद्ध हो गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वास्तविकता में उस कपाल के अंदर वास करने वाले ईश्वरीय तत्वों को जब जागृत किया जाता है और उसे अपने हाथ में रखा जाता है, तब एक व्यक्ति जो होता है वो ईश्वर तुल्य होता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि एक कपाली जिसको कपाल हस्त हो, जो कपाल सिद्ध हो, वो ईश्वर तुल्य होता है। वो वाकई में ईश्वर तुल्य होता है क्योंकि उसने उस परम ऊर्जा को सिद्ध करके, उस परम ऊर्जा को जागृत करके स्वयं को उससे जोड़ दिया है। ये कपाली होता है। अब जैसा कि मैंने बोला, कपाल समय की गति को अपने अंदर धारण करता है, कपाल समय की शक्तियों को अपने अंदर धारण करता है। परंतु उस कपाल के जो देवता हैं, जो उन कपाल की शक्तियों को भी नियंत्रित करते हैं, जो कपाल के तत्व के देवता हैं, वो कौन हैं? कपाल भगवान शिव, भगवान शिव को कपाली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो कपाल तत्व के सबसे प्रमुख देवता हैं। किसी भी संप्रदाय में किसी भी तत्व के देवता अगर आप देखेंगे तो वो भगवान शिव ही हैं, चाहे वो संप्रदाय दक्षिण मार्गी हो, चाहे वो संप्रदाय वाम मार्गी हो। वामदेव से वाम मार्ग का जन्म हुआ था, दक्षिणमूर्ति महादेव से दक्षिण मार्ग का जन्म हुआ था, कपाली महादेव से कपालिक संप्रदाय का जन्म हुआ था, अघोर महादेव से अघोर संप्रदाय का जन्म हुआ था, भोलेनाथ से नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ था। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं जो भगवान शिव से अलग हो, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भगवान शिव से अलग हो। इन सभी चीज़ों के अंदर आज मैं बात कर रहा हूँ कपालिक संप्रदाय की, जिसका जन्म, जिसका मार्ग कपालेश्वर महादेव से होकर के निकलता है। कपालेश्वर महादेव यानी कि कपाली महादेव कह लीजिए उन्हें आप। वो जो कपाल को अपने हाथ में धारण करते हैं, जो कपाल की, कपाल में वास करने वाली ब्रह्म ऊर्जा को, कपाल में वास करने वाली ब्रह्म शक्ति को स्वयं में धारण करके रखते हैं, वो कपाली महादेव हैं, वो कपाली है। तो वास्तविकता में कपालिक संप्रदाय का जो परम उद्देश्य था वो ये था कि वो इसी प्रकार से कपाल के अंदर वास करने वाली ब्रह्म ऊर्जाओं को समझ करके, उनसे अपने आप को जोड़ करके ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करे और परम गति को लाभ ले। परंतु आज के समय में अगर आप देखोगे तो कपालिक होने का मतलब आपको केवल इतना बताया जाएगा जो कपाल में रख करके सब कुछ खा लेता है, पी लेता है, कपाल में सारी क्रियाएँ कर लेता है, वो है कपाली। तो समझना आप लोगों को है, कार्य आप लोगों को करने हैं, बुद्धि आप लोगों को लगानी है। और ये केवल कपालिक संप्रदाय की बात नहीं है, बात यहाँ पर अघोर संप्रदाय की भी है, नाथ संप्रदाय की भी है। आजकल हर संप्रदाय लगभग जो है वो इस प्रकार की गतिविधियों में है। लोग कहते हैं कि अघोरी होने का मतलब होता है सब कुछ समान होना, इसीलिए हम लोग मलमूत्र खा लेते हैं ताकि हम लोग संभाव रहें, हम लोगों को बता सके कि हमारा मस्तिष्क जो है वो संभाव हो चुका है। मेरे को एक प्रश्न पूछना है, मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, आप किसको साबित करना चाहते हो कि आप अघोरी हो? आप किसको साबित करना चाहते हो कि आप संभाव हो चुके हो? आप किसको बताना चाहते हो? इतने ग्रंथ हैं, इतने पुराण हैं, इतने वेद हैं, इतने शास्त्र हैं, परंतु किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में ये उल्लेख नहीं मिलता हमें कि भगवान शिव ने अपना संभाव दिखाने के लिए मलमूत्र खा लिया हो। एक जगह पर हमें केवल ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने मांस भक्षण किया था,
और उसके भी प्रॉपर विवरण हैं। कनप्पा नाम का भगवान शिव का जो भक्त था, उसे पूजा विधि नहीं आती थी, तो उसको जो उसके घर में बनता था वो अपने हिसाब से ला करके उनको दे देता था। भगवान शिव ने भक्ति में मांस भी खाया है, लेकिन भक्ति में खाया है। एक भक्त की भक्ति से विवश होकर के, एक भक्त की भक्ति का मान रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। भगवान शिव ने कभी भी अपने संभाव का परिचय देने के लिए मलमूत्र नहीं खाया, किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। अगर आपको वास्तविकता में किसी को दिखाना ही है कि आप अघोरी हो, आप संभाव हो चुके हो, आपके लिए सोने और मिट्टी में कोई फर्क नहीं है, तो आप अपने ईश्वर को दिखाइए, आप भगवान को दिखाइए। जिस दिन वो पहचान लेगा आपके भीतर के संभाव को, उस दिन आपकी मुक्ति हो जाएगी। चार लोग आपको मलमूत्र खाते हुए देख करके बोल दे कि तुम अघोरी हो, तुम्हारा तो संभाव हो चुका है, मतलब मामला सेट है बिल्कुल, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप अध्यात्म में हो तो आपके लिए संसार के ओपिनियन से ज़्यादा ये मायने रखना चाहिए कि भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। संसार क्या सोचता है वो तो बाद की बात है, संसार तो खुद नष्ट होने वाली चीज़ है। चार लोगों के बीच में अपना सम्मान बना करके आप क्या ही करोगे। मायने ये रखता है कि आपके ईश्वर, आपके देवता आपके बारे में क्या सोचते हैं। ज़रा ये इस चीज़ के बारे में विचार करिएगा कि अगर मरणोपरांत भगवान शिव ने आपसे अगर आकर के पूछा कि तुमने क्या किया, तो आप उनको क्या बोलोगे कि मैंने कपाल में रख करके मलमूत्र खा लिया था। विचार करिएगा मेरी इस बात पे, बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो यही था, मुझे और कुछ नहीं कहना। संभाव होने का अर्थ केवल इतना सा होता है, आपका मन उस स्थिति को प्राप्त कर ले जिस स्थिति में आप सबके अंदर भगवान शिव को देखने लग जाओ, उसे संभाव कहा जाता है। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्ररुद्ररूपेभ्य। जो घोर है मैं उसे भी प्रणाम करता हूँ, जो अघोर है मैं उसे भी प्रणाम करता हूँ, और जो घोर और अघोर दोनों हैं मैं उसे भी प्रणाम करता हूँ, उसके अंदर वास करने वाले रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं अंत कर रहा हूँ। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।